हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी माता जी हमारे साथ खड़ी हुई है। आज इन्होंने ये सोचा कि हमारी बहुएं पढ़ी लिखे तो इन्हें हम आगे करें। हमें चाहते हैं हमें सबका सपोर्ट मिले और हम आगे बढ़े। हम अपने लिए जो अभी एडवोकेट हैं, हाँ जी, हम इनके साथ हैं। हम चाहते हैं महिलाओं को, महिलाएं को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगी, जरूर करेंगी। हम सब एक साथ हैं, हम मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि हम भी आगे बढ़े, हमारी भी सुनवाई हो। सर, हमारा जो वार्ड नंबर 10 है इसमें किसी भी प्रकार का कैसी भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ की नालियाँ सबसे ज़्यादा ख़राब है, रोड की सुविधा वो भी उपलब्ध नहीं है, लाइटें कहीं पे भी नहीं है। संपूर्ण मात्रा में ना तो पानी आ रहा है, ना किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है किसी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा ये हो रहा है सर, ये दो योजनाओं से चला आ रहा है हमारे हमारे ये जो काम हो रहा है पिछले, हाँ, वार्ड पार्षद जो है पिछली दो योजनाओं में कोई भी काम नहीं कराया गया है। कानून आएगी तभी बढ़ेंगे। घुमाई कर ली पर हमारा राशन कार्ड नहीं बना और बहुत ज्यादा गरीबी में उस घर में बहुत ज्यादा निकल जाता है और सबका राशन कार्ड बन रहा है और हम गरीब राशन नहीं मिल रहा सर। अच्छा, आपका नहीं बना रहा या बनाई नहीं, कैसा भी नहीं बनाया? हरा राशन कार्ड है, खूब कोशिश की, नारनौली भी गई थी और हर जगह में डोली पर मेरा भारी समस्या तो राशन कार्ड ना बनने की है। ये देखिए हमारे मोहल्ले की क्या हालात है, यहाँ पर नालियाँ नहीं है, यहाँ की सड़कें सारी फूटी हुई है, समय पे पानी नहीं आता, समय पे बिजलियाँ नहीं है। ये नालियाँ कभी बनाई नहीं है, टूट गई। ये जी टूटी पड़ी है जी, आज 7 साल हो गए इसको बनाया ही नहीं है और इसकी मैंने काफ़ी बार अप्लीकेशन दे दी है, बाकी इसका कुछ भी समाधान नहीं हुआ। तो क्या प्रॉब्लम बता रहे थे, आप बताइए। मैं तो जी ऐसे कहती हूँ, बुढ़ी है, हाँ जी, लोग राशन मिलो लॉकडाउन में, बुढ़ी ने नहीं मिलो, नान को दादी पोता को कारट ना, कारट का 5 किलो गेहूँ मिला तो 10 किलो गेहूँ उगाने का वह भी नहीं मिल रहा। और ये नाली देख लो, आगे से ऊंचाई है पूरा भरे रह रहा है, बदबू आ रही है यहाँ तो, हाँ? तो खड़ा भी नहीं रहा था। काफी बदबू है तो इसी रहा मेरा घर का, सफाई नहीं करते कभी नाली, कभी भी नहीं हुआ है घर की, तो कोई भी नहीं आवे। के हम वार्ड नंबर 10 में यहाँ पर मौजूद हैं और वार्ड नंबर 10 का ये होली चौक से जो अंदर की तरफ आता है, जैसे एक आप जान सकते हैं पीछे जो मकान है मास्टर जी का है, पोली मास्टर जी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये जो चौकड़ा खड़ा यहाँ पे हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए, और काफ़ी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और उधर जो काफ़ी लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो सारा जो दृश्य है ये वार्ड नंबर 10 का बीच का जो दृश्य है और यहाँ पर कुछ माताएं हमारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। माता जी, जैसे आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं और जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं तो कम से कम पता लगना चाहिए जो कैंडिडेट खड़ा है उसको, अगर वो जीत के आएगा तो आपकी समस्या का समाधान करवा पाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या समस्या है आपके वार्ड की? हमारी समस्या है ये नाली नोली, ये गंदी हो रही है, नाली नोली ये सब गंदी हो जी, बढ़िया नाली बननी चाहिए, सड़क उड़क सब फूटी पड़ी है हमारे, पानी वगैरह सही आ रहा है, समस्या तो है ही है, पीने का पानी, पीने का पानी कम है, जैसे वो टंकी वगैरह से लेके आते हैं, ऐसी ऐसी ये वहाँ से लेता है बोर पास है। अच्छा, ऐसा कुछ मतलब परमानेंट एक आधा और बोर हो जाए तो कुछ फायदा हो जाए, फिर फायदा हो जाए। आप भी बताइए क्या नाम आपका? कांता। हाँ जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, हमारी नाली गंदी रहती है और हमारे राशन कार्ड पीला नहीं बन रहा। अच्छा, राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, गेहूँ गेहूँ मिलते हैं, अमीर शामीर है ना उनको सब कुछ मिल रहा है, हमारे को गेहूँ गेहूँ मिलते हैं। राशन कार्ड तो किसी का ही नहीं है, हमारा भी नहीं है और हमारी इसकी मम्मी का वो आधार कार्ड सही नहीं हो रहा है। मेन दिक्कत ज्यादातर ये हो रही है कि राशन कार्ड में समस्या है, पीला राशन कार्ड नहीं, हम खूब कहाँ तक नारोल तक डोलिया है, नारोल भी जाया दोनों में या गया था दोनों, इसको किसको बनाई कौन? आप बताइए दादी जी। मैं तो बेटा माधर रोड सारा फुटे पड़े से, इसी साइड से हो आप? कौन सी साइड? ये हमारी साइड, ये मास्टर में देवर तो सेम ही मकान वाला है। अच्छा, वाला है आपका, ठीक है। तो अभी क्या बताना चाहेंगे, रोड बनवाने के लिए बता रहे हैं? हाँ, रोड बनवाना, हमारी गली परेशान होनी चाहिए, हाँ, सारी फुट्टी पड़ी जगह जगह देख का आप किसी भूमि हो रही है और पानी की समस्या से आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये पीला राशन कार्ड तीनों लड़कों का नहीं है, हमारा एक का तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये ऐसी समस्या क्यों आ रही है? भी आपके वार्ड में पीछे जो वार्ड पार्षद बना था उसने कोई काम नहीं करवाया, कानून आएगी तभी बढ़ेंगे, घुमाई कर ली पर हमारा राशन कार्ड और बहुत ज्यादा गरीबी में उस घर में बहुत ज्यादा निकल जाता है और सबका राशन कार्ड बन रहा है और हम गरीब राशन नहीं मिल रहा सर। अच्छा, आपका नहीं बना रहा, बनाई नहीं, कैसा भी नहीं बनाया? हरा राशन कार्ड है, खूब कोशिश की, नारनौली भी गई थी और हर जगह में
बोली पर सबसे बड़ी भारी समस्या तो राशन कार्ड ना बनने की है। मैं भी इसका गेल हांड ली बने हुए हैं बेचारी को बनी नहीं आई। पीछे जैसे वार्ड पार्षदों का काम होता है भी वो आपकी हेल्प करे, कुछ भी हेल्प नहीं करी मेरी सर। तो अभी जैसे वार्ड पार्षद के जो चुनाव है और चेयरमैन के चुनाव है तो किन को आप लगता है की कोई अच्छा व्यक्ति है उसको बनाया? अब भी डोल रही हूँ मैं राशन कार्ड के लिए, अब मैं की इलेक्शन है कोई मेरा राशन कार्ड करवा दे पर कोई आगे पैर नहीं। अभी तो ये वोटिंग होने के बाद ही कुछ प्रक्रिया होगी ऐसा कुछ? सर कोई भी नहीं नाम नहीं कह सर नो कह वोट होने के बाद बनवावा मैं। अच्छा तो मतलब अभी वोट को लेकर के क्या आप बताइए, आप आइए हाँ जी बताइए क्या नाम अपना? सर हमारा जो वार्ड नंबर 10 है इसमें किसी भी प्रकार का कैसी भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ की नालियाँ सबसे ज़्यादा खराब है, रोड की सुविधा वो भी उपलब्ध नहीं है, लाइटें कहीं पे भी नहीं है, संपूर्ण मात्रा में ना तो पानी आ रहा है ना किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है किसी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा ये हो रहा है सर, ये दो योजनाओं से चला आ रहा है हमारे हमारे ये जो काम हो रहा है पिछले वार्ड पार्षद जो है पिछली दो योजनाओं में कोई भी काम नहीं कराया गया है। पिछले 10 साल से इस तरह की विपदाएं हम सबके सामने आई हुई है, सभी प्रकार के लोग है, पानी के लिए पानी भरने के लिए दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता है इनको, राशन है राशन से जितने भी रिलेटेड कार्य है किसी का भी कोई भी काम पूरा नहीं किया गया है। राशन है हमारे आजू बाजू के जितने भी भाई बंद है उनके सबके राशन किसी के कटवा दिए गए हैं, किसी के ब्लॉक हो रहे हैं। तो अब हम सबका एक ही नारा है कि बदलाव, और बदलाव का दूसरा नाम है एडवोकेट सीमा सैनी। सीमा को चुनना चाह रहे हैं सर, हमारा सबका तो दो ही कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पे, दो है एक जेबी सैनी एक सीमा सैनी, लेकिन जेबी सैनी की जितनी भी योजना है वो हम सब ने देख ली है। तो अब हम सबका यही नारा है कि अब की बार हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव का दूसरा नाम है एडवोकेट सीमा सैनी। आप भी बताइए जी किसको पसंद करते हैं इन दोनों में से? बस यही बात है जो ये बता दी, सीमा को ही पसंद करते हैं। हाँ। आप भी बताइए जी आप में से कोई आप बता दीजिए। हाँ जी सीमा को पसंद करते हैं। मतलब क्या मतलब आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम रही है अब तक की, समस्या क्या है? समस्या बता रही हो ये मतलब जो मेन तो राशन कार्ड की ज्यादातर है भी इन्होंने बताया कि आप बता दीजिए अपनी जो गली में हाँ बता दिया था इन्होंने, आप भी बता दीजिए मैडम क्या बताना चाहेंगे जो गली की जो समस्या बता रहे थे। जी हम ये बता रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी माता जी हमारे साथ खड़ी हुई है, आज इन्होंने ये सोचा कि हमारी बहुएं पढ़ी लिखी तो इन्हें हम आगे करें, हमें चाहते हैं हमें सबका सपोर्ट मिले और हम आगे बढ़े, हम अपने लिए जो अभी एडवोकेट हैं हाँ जी हम इनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं को महिलाएं को सपोर्ट करेंगी, सपोर्ट करेंगी जरूर करेंगी, हम सब एक साथ हैं, हम मिलकर उन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि हम भी आगे बढ़े हमारी भी सुनवाई हो। ठीक है देखिए काफ़ी महिलाएं यहां पर मौजूद थी और एक दो साथी हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, यहां के जो स्थानीय निवासी हैं वार्ड नंबर 10 के। अब क्या नाम आपका? मेरा नाम जी दौलत राम। दौलत जी बताइए आपके वार्ड की अब तक की कैसी समस्या रही है, कैसे जैसे अभी चुनाव आ गए तो कम से कम पता लगना चाहिए जो वार्ड में जो मेंबर बन के आ रहा है तो उसको ये चीज़ें दिखाई दें। सर हमारी दो योजनाओं में एक ही पार्षद चुना था, उस पार्षद ने ना तो इस शहर का कुछ विकास किया ना यहाँ का कुछ अच्छा समाधान किया, तो इसलिए हम कुछ चेंजिंग चाहना चाहते हैं। ये देखिए हमारे मोहल्ले की क्या हालात है, यहाँ पर नालियाँ नहीं है, यहाँ की सड़कें सारी फूटी हुई हैं, समय पे पानी नहीं आता, समय पे बिजलियाँ नहीं है, ये नालियाँ कभी बनाई नहीं है, टूट गई ये जी टूटी पड़ी है जी, आज 7 साल हो गए इसको बनाए ही नहीं है, और इसकी मैंने काफ़ी बार अप्लीकेशन दे दी है बाकी इसका कुछ भी समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम सब लोगों ने मिलके अपने इस वार्ड की अब की बार तुलना बदलनी है, हमारा पार्षद बदलना है। क्यों उनको कह कह के सभी लेडीजें सभी आदमी सभी दुखी हो गए, तो थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो सीमा है वो एजुकेटेड है, एडवोकेट है वो समझदार है, और इसके पास इतनी समझदारी का कोई भी समाधान नहीं, और कितना भी कह लीजिए आप इसको कह लीजिए दोनों तो एक ही परिवार से हैं ऐसा लग रहा है, एक ही गोद से हैं शायद ऐसा। सर ये गोद से एक ही हैं बाकी इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है सर। ठीक है थैंक यू। हाँ जी सर नमस्कार जी। नमस्कार कैसे हैं सर? ठीक है सर। बताइए जैसे क्या बताना चाहेंगे, जैसे अभी चुनाव नज़दीक है तो सभी चुनते हैं अपने अपने पसंदीदा को। सीमा सैनी हाँ है। तो उसको लग रहा है कि कुछ पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी है वो जो एडवोकेट है इसलिए कुछ चेंजिंग है। अब की बार समझते हैं कि वार्ड वाले भी काफ़ी समझदार हो चुके हैं, वार्ड वाले तो चेंज चाहते हैं, मूलभूत सुविधा है जैसे नाली है ये गंदी प्रॉब्लम तो ये राशन कार्ड की आ रही है, यहाँ बता रहे हैं कि कोई पीला राशन कार्ड नहीं बना, किसी का ग्रीन ही नहीं बना अब तक, तो बता रहे हैं कि सपोर्ट ही नहीं करी उन्होंने। सपोर्ट तो कैसे करें, वो तो विपक्ष के अंदर वो तो एक मुद्दा बना के बैठ गए, वो तो कोई सपोर्ट वगैरह नहीं करी ना और ने। सर इसका क्या था वो भी कटवा दी, अब के लॉकडाउन के बाद सरकार ने सभी गरीबों को अपनी ओर से फ्री निःशुल्क राशन दिया है, बाकी इस वार्ड के अंदर किसी के पास भी
किसी के पास भी कोई फ्री का राशन नहीं मिला, सभी परेशान हैं। लॉकडाउन पहले लगा दिया, लॉकडाउन के बाद कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा, अगर काम नहीं करेगा तो ये गरीब आदमी खाए कहाँ से, क्या बताऊँ। जैसे यहाँ पे हम वार्ड नंबर 10 में मौजूद थे और एक महिला अभी दिखाई दे रही है, अभी अभी उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, बताओ तो क्या प्रॉब्लम बता रहे थे आप, बताइए। मैं तो जी ऐसे कहती हूँ, बुढ़ी है, लोगों ने राशन मिलो लॉकडाउन में, बुढ़ी ने नहीं मिलो, नान को दादी पोता को कारट ना, कारट का 5 किलो गेहूँ मिला तो 10 किलो गेहूँ होगा का वह भी नहीं मिल रहा, और ये नाली देख लो आगे से ऊंचाई है पूरा भरे रह रहा, काफी बदबू आ रही है यहाँ तो, हाँ? खड़ा भी नहीं रहा था। काफी बदबू तो इसी रहा मेरा घर का, सफाई नहीं करते कभी नाली, कभी भी नहीं हुआ है घर की, तो कोई भी नहीं आवे, खाली वोट वोट मांगने के, वोट मांगना और साइन कराने जाओ, जन बुझेगा क्या का साइन करा रही हो, अरे क्या थाना बंद करवा रहा है, साइन ही तो करवा रहा है, क्या का तो कर दो, क्या का कोई नौकरी हम लग गाना, कोई और हम लग गाना, ये कदे क्या का राशन कार्ड मांगे कदे क्या का, बिल्कुल आपको खुद ही नालियां साफ करनी पड़ती हैं, हम तो खुद करा, अरे जो मजदूरी कर कहां आई, मेरे से तो होगा कौन, ऐसी सड़ेगी ये, ठीक है। देखिए ये काफी गरीब लोग हैं, आप देखिए ये मकान है इनका, और इन्होंने बताया कि काफी समस्याएं हैं यहां पे, ना तो नालियां ये साफ करते कोई और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है। तो ये वार्ड नंबर 10 में हम यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर ये जो होली चौक है इससे अंदर की साइड हम यहाँ पर आए थे, और काफ़ी महिलाएं, ये जो आस पड़ोस के जो जितने भी मकान हैं ये महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, इन्होंने अपनी समस्या से अवगत करवाया, और जैसे ही वार्ड पार्षद कोई नया चुन के आता है तो इनकी समस्याओं की तरफ ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये काफ़ी सालों से परेशान है। तो हमारा मकसद यही है इस खबर को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिल सके, और जो आने वाला जो पार्षद है वो इनकी तरफ ध्यान दे और यहाँ के विकास कार्य करवा सके। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ, नमस्कार।